हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। तो आज मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगा जिसकी हेल्प से आप अपना वॉर लॉक ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन यानी कि अपने क्लाइंट की वॉर विंस बढ़ा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट स्टेप में आपको अपने क्लैन की क्लैन वॉर ऐसे ही किसी के साथ बात किए बिना चालू नहीं कर देनी है। इसका रीज़न ये है, कोई प्लेयर का कोई अपग्रेड चल रहा होगा तो वो वॉर में प्रॉपर अटैक नहीं कर सकेगा, और कोई प्लेयर्स ऐसे भी हो सकते हैं जो कि बैटल डे पर एक्टिव ना हो सके। इसीलिए मेन थिंग जो है वो है टाइम। तो आपको टाइम से रिलेटेड सभी के साथ बात करने के बाद ही क्लैन वॉर स्टार्ट करनी चाहिए। क्लैन वॉर तभी स्टार्ट करें जब ज़्यादा प्लेयर्स ऑनलाइन हो। सेकेंड टिप है कि केवल वही प्लेयर्स को वॉर में लें जो कि एक्टिव हो, ताकि वो प्लेयर्स वॉर में अपने दोनों अटैक्स को यूज़ कर सके। तो अगर आप क्लैन वॉर बड़ी करते हो उससे अच्छा है एक्टिव प्लेयर्स की वॉर करें, ताकि सभी प्लेयर्स अपने दोनों अटैक्स को यूज़ करेंगे और आप अपनी क्लैन वॉर इजीली जीत सकेंगे। थर्ड टिप है कि हो सके तो सभी क्लैन मेंबर्स के बीच कम्युनिकेशन हो सके उसके लिए कोई ग्रुप क्रिएट कर ले। इसमें आप व्हाट्सएप, डिस्कॉर्ड या ऐसी कोई भी कम्युनिकेशन की एप्लीकेशन यूज़ कर सकते हो। तो कम्युनिकेशन की हेल्प से कोई भी प्रॉब्लम जनरेट होती होगी वॉर के रिलेटेड तो वो जल्दी सॉल्व हो जाएगी। तो कम्युनिकेशन के लिए कोई अच्छी सी ऐप आपको यूज़ करनी चाहिए। फोर्थ टिप में आपके क्लैन में आपको ये चेक कर लेना है कि सभी वॉर प्लेयर के बेस हो सके उतने अच्छे सेट करें। वॉर बेस में मेन ये होता है कि आपको क्लैन कैसल सेंटर में रखें, ताकि ओपोनेंट इजीली क्लैन कैसल के ट्रूप्स को क्लैन कैसल में से निकाल के मार ना सके। और साथ ही साथ रश प्लेयर को हो सके तो क्लैन वॉर में ना लें, क्योंकि ओपोनेंट जो है वो रश प्लेयर पे 3 स्टार ला देंगे, और रश प्लेयर के जो ट्रूप्स के लेवल हो गए वो लो लेवल के होने के कारण वो 3 स्टार नहीं कर सकेंगे। नेक्स्ट टिप है कि वॉर को जीतने में लीडर का बहुत बड़ा हिस्सा होता है, तो लीडर का प्रोफाइल भी अच्छा होना चाहिए और उसे पता होना चाहिए कौन एक्टिव है और कौन नहीं है। उसी के साथ लीडर को टॉप 3 नंबर में होना चाहिए, क्योंकि अगर लीडर लोअर लेवल का होगा तो वो सबको हाई लेवल के ट्रूप्स डोनेट नहीं कर सकेगा। जैसे कि लीडर टाउन हॉल 6 पे है, और अगर वॉर में टाउन हॉल 10 वाले प्लेयर्स भी है और टाउन हॉल 10 वाले प्लेयर्स को गोलेम चाहिए तो लीडर उसकी हेल्प नहीं कर सकता। नेक्स्ट टिप ये है कि हमेशा आर्मी ट्रेन करने से पहले 2-3 बार स्काउट कर ले ओपोनेंट का बेस देख ले, ताकि आप उसी बेस के रिलेटेड आर्मी ट्रेन कर सके और वॉर अटैक से पहले फ्रेंडली बैटल कर ले, जिससे आपके ट्रूप्स चेक हो जाए और कुछ रह तो नहीं गया ना, और कोई अटैक करना है तो वो अटैक भी आपको बेसिक आइडिया दे देगा कि कैसे आप वो अटैक इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो फ्रेंडली बैटल करना ज़रूरी है। अगर आप कुछ भी भूल गए होंगे और आपने सबसे पहले फ्रेंडली बैटल किया होगा तो आपका वॉर अटैक वेस्ट नहीं होगा और आप अपनी गलती सुधार सकेंगे। और जो लास्ट टिप है वो है कि कुछ अटैक्स आपके बचा कर रखें, ताकि लास्ट में अगर कोई प्लेयर अटैक नहीं कर सके या तो उसके अटैक फेल जाए तो आप बचे हुए अटैक्स वहाँ करके क्लैन वॉर इजीली जीता सके। तो ये सारे टिप्स थे जो कि आपको ध्यान रखने चाहिए, जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनी क्लैन वॉर जीत सकेंगे। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ऐसे ही क्लैश ऑफ क्लैंस से जुड़े वीडियो को देखने के लिए अभिषेक क्लैशिंग चैनल को करें सब्सक्राइब, और एक शेयर तो बनता है यार, तो एक बार ज़रूर से शेयर कर दे इस वीडियो को। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए क्लैश ऑफ क्लैंस खेलिए और मज़ा करिए।